दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक कमाल की जैपनीज हॉरर मूवी लेके आया हूँ, जिसका नाम है फॉरबिडन साइरन। ये कहानी है यूकी नाम की एक लड़की के बारे में, जो अपनी फैमिली के साथ एक आइलैंड पर रहने आती है। पर उस आइलैंड का एक बहुत ही ज्यादा अजीब रूल था, और वो ये था कि साइरन बजने के बाद किसी को भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना। ये मूवी 2006 में रिलीज की गई थी और IMDb ने इसे 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। दोस्तों, अब यूकी को उस आइलैंड के बारे में कौन सा राज पता चलेगा, ये तो हम वीडियो में ही देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फॉरबिडन साइरन मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ अजीब मिस्टीरियस हादसों के बारे में बताया जाता है, और दोस्तों, मेरे को रिसर्च से पता चला कि ये हादसे सच्ची में हुए थे। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है। हमें बताया जाता है कि 1590 में अमेरिका के राउनो के आइलैंड पर जितने भी लोग रहते थे वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए थे। कुछ इसी तरह 1872 में मैरी साइलस नाम के एक जहाज पे से सारे लोग गायब हो गए थे, और क्यों ये किसी को आज तक पता नहीं चला। इन हादसों को बताने के बाद हमें 1976 में यामेजीमा आइलैंड को दिखाया जाता है, जो एक जैपनीज आइलैंड है। उस आइलैंड पे एक तूफान के वक्त एक एक्सपेडिशन टीम लोगों को बचाने के लिए आई थी, पर चौंका देने वाली बात ये थी कि उस पूरे आइलैंड पे एक भी इंसान नहीं था। उस पूरी टीम को आइलैंड पर खाली घरों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, और छानबीनी करने पे उन्हें कुछ अजीब चीजें मिलती है, जैसे कि गरम गरम खाना, जलती हुई सिगरेट एक्सेट्रा। पर अगर आइलैंड पे कोई इंसान है ही नहीं तो वो गरम खाना किसका है। खैर, काफी देर तक ढूंढने पे उस टीम को एक आदमी मिलता है जो पहले कुछ नहीं बोलता। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो बस एक बात बोलता है कि जैसे ही साइरन बजे घर से बाहर मत जाना। वो इस बात को बार बार बोलने लगता है, और तभी उस आदमी को, सिर्फ उस आदमी को एक साइरन सुनाई देता है, और साइरन की आवाज से वो आदमी पागल हो जाता है और सीन कट कर दिया जाता है। वो साइरन क्या था, क्यों बज रहा था, और 1976 की उस रात को आइलैंड के लोग कहां गायब हो गए थे, ये हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। और यहां से सीन जाता है प्रेजेंट के टाइम पर, जहां पर हम देखते हैं यूकी को। यूकी अपने पापा और अपने भाई हिडियो के साथ यामेजीमा आइलैंड पे रहने जा रही है, पर यूकी को अभी कुछ भी नहीं पता है कि उस आइलैंड पर क्या क्या हुआ था। यूकी का पापा एक राइटर है, और उसके भाई को कोई अजीब बीमारी है, जिसके इलाज के लिए ही वो पूरी फैमिली यामेजीमा आइलैंड पे जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि हिडियो को ताजा हवा खाने की जरूरत है। यूकी अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती है, पर आइलैंड पे पहुंचते ही आइलैंड के लोग यूकी को इस तरह देखते हैं जैसे वो अभी के अभी यूकी को मार डालेंगे। यूकी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, और फिर वो मिलती है डॉक्टर मीना मीडा से। यूकी के पापा ने यूकी को पहले ही बता दिया था कि डॉक्टर मीना मीडा हिडियो का इलाज करेगा, पर हिडियो मीना मीडा से बात नहीं करता। हिडियो वहां से भाग जाता है और यूकी उसे संभालती है, पर इस पूरे टाइम आइलैंड के लोग यूकी को घूरते रहते हैं। वो लोग जब घर जा रहे थे तो रास्ते में एक बाजार पड़ता है, और उस बाजार में भी सारे के सारे लोग यूकी को ही देख रहे थे। अब ऑब्वियसली यूकी को ये बात अच्छी नहीं लगती, और उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो और आइलैंड के लोग उस पे इल्जाम लगा रहे हो। खैर, किसी तरह यूकी अपने फैमिली के साथ घर पहुंच जाती है और सफाई वगैरह स्टार्ट करती है। घर की धूल मिट्टी साफ करते वक्त यूकी को एक एलियन जैसा कीड़ा दिखाई देता है, जिससे यूकी डर जाती है। आखिर कौन से आइलैंड पे इतने ज्यादा अजीब कीड़े होते हैं। सफाई करते वक्त यूकी मिलती है अपनी पड़ोसन से, और पड़ोसन यूकी की सफाई वगैरह करने में मदद करती है। बर्तन धोते वक्त पड़ोसन यूकी को बोलती है कि रात को बाहर मत जाना, क्योंकि आइलैंड के जानवर नॉर्मल जानवरों की तरह नहीं है। और तो और, पड़ोसन एक वार्निंग भी देती है कि जब भी सायरन की आवाज आए तो घर से बाहर गलती से भी मत निकलना।
जाहिर सी बात थी कि यूकी को ये बातें अजीब लगती है और पूछने पे पड़ोसन बोलती है कि साइरन आइलैंड के एक मेटल टावर पर बजता है और उस टाइम पर जानवर थोड़ा सटिया जाते हैं, तो बेहतर यही होगा कि सब लोग घर के अंदर ही रहे। दूसरी तरफ हमें यूकी के पापा की बातों से पता चलता है कि वो इस आइलैंड के पास्ट के बारे में रिसर्च भी कर रहा है अपनी कहानियों को लिखने के लिए। वो आइलैंड के कुछ लोगों का इंटरव्यू लेता है और उसे धीरे धीरे आइलैंड के मिस्टीरियस कल्चर के बारे में पता चलता है, जैसे कि इस आइलैंड का टाइम बाकी दुनिया से थोड़ा अलग है, यहाँ की हवा भी अजीब सी आवाज निकालती है और आइलैंड का मेटल टावर सबसे ज्यादा डेंजरस जगह माना जाता है और यहाँ के लोग अजीब अजीब रिचुअल्स करते हैं। आइलैंड के लोग रिचुअल करते वक्त कुछ गाने गाते हैं और उन गाने की लिरिक्स ऐसे कुछ होती है, शीशे के अंदर देखो कुत्ता भगवान बन जाएगा और जिंदगी शैतान। इस गाने का मतलब असल में इंग्लिश शब्दों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम लोग शीशे के अंदर डॉग वर्ड को देखते हैं तो वो गॉड में बदल जाता है और लिव वर्ड बदल जाता है ईविल में। खैर, इसके बाद यूकी के पापा को लाल कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है। और दूसरी तरफ अब यूकी को हिडियो कहीं भी नहीं मिल रहा था। यूकी अब अपने भाई को आइलैंड पे ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर उसे एक के बाद एक अजीब चीजों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले यूकी को बाजार में एक भी इंसान नहीं मिलता, जबकि सारा का सारा सामान यूं ही पड़ा था। उसे अपने भाई की एक झलक दिखाई देती है, जिसका पीछा करते करते वो एक पुराने घर में पहुंच जाती है। दोस्तों, ये घर वही घर था जहाँ पे एक्सपेडिशन टीम को मूवी की शुरुआत में वो आदमी मिला था। उस घर के अंदर बहुत सारे शीशे लगे हुए थे और उस जगह पे यूकी को मिलती है एक पुरानी डायरी। वो डायरी 1976 के टाइम की थी, जिसमें लिखा था कि पहला सायरन हवा के तूफान के साथ बजेगा, दूसरा सायरन आइलैंड के ऊपर बजेगा और तीसरा सायरन पुलिस के सायरन की तरह बजेगा। तीसरे सायरन के बाद आइलैंड पे कुछ बहुत ज्यादा डरावना होगा और लोग अपना रूप बदल लेंगे और फिर क्या होगा ये यूकी को पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो डायरी आधी कटी हुई थी। यूकी अब इस सायरन के बारे में और ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, पर तभी एक अजीब आदमी उस पे हमला कर देता है और वो बोलता है सायरन जल्दी ही बजेगा तो घर से बाहर मत निकलना। यूकी उस आदमी से डर जाती है और बड़ी ही मुश्किल से भाग पाती है। वो भागते भागते एक ढलान के पास पहुंच जाती है जहां पर उसे फाइनली हिडियो मिल जाता है, पर वो उसी लाल कपड़ों वाली लड़की के साथ खेल रहा था। अपने भाई को लेकर यूकी घर जाती है, पर आइलैंड के अजीब हादसे तो बस अभी शुरू ही हुए थे, क्योंकि घर जाते वक्त यूकी को एक सीक्रेट जगह मिलती है जहाँ पे आइलैंड के लोग अजीब से रिचुअल्स कर रहे थे। यूकी अपने भाई को लेकर घर भाग जाती है और अब हिडियो भी वो रिचुअल वाला गाना गाने लगता है। यूकी अपने भाई को चुप करती है, पर अब वो समझने लगी थी कि इस आइलैंड पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यूकी इस बारे में अपने पापा से भी बात नहीं कर पाती, क्योंकि यूकी का पापा उस रात को रिसर्च करने के लिए जंगल में चले जाता है, जबकि यूकी उसे मना करती है क्योंकि पड़ोसन ने बोला था कि रात के टाइम घर से बाहर मत निकलना, पर यूकी का पापा फिर भी घर से चले जाता है। अब यूकी बिचारी अपने भाई के साथ इस अजीब आइलैंड पे अकेले घर में फंस गई थी कि तभी यूकी अपनी पड़ोसन को देखती है जो घर के अंदर क्रीपी तरीके से झांक रही थी। यूकी बुरी तरीके से डर जाती है, लाइट कट हो जाती है और उसका भाई घर से बाहर भाग जाता है और एक सायरन बजने लगता है। वो सायरन बहुत ज्यादा डरावना था और जैसा कि डायरी में लिखा हुआ था कि पहला सायरन आइलैंड पे एक हवा के तूफान के साथ आएगा और पूरे आइलैंड पे जोरों जोरों से हवा भी चलने लगती है। यूकी घर से बाहर हिडियो को ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर उसकी पड़ोसन बहुत ही ज्यादा क्रीपी तरीके से उसे घूर रही थी। थोड़ी देर में यूकी को हिडियो मिल जाता है जो मेटल टावर की तरफ इशारा कर रहा था। हिडियो को लेकर यूकी वापस घर में छुप जाती है और वो सायरन कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। वो रात यूकी का दिमाग हिला देती है और अब वो जल्दी से जल्दी वापस टोक्यो जाना चाहती थी, पर वो आखिर घर कैसे जाएगी, क्योंकि अगले दिन उसका पापा रिसर्च करके वापस लौटता ही नहीं। यूकी डॉक्टर मीना मीडा के साथ अपने पापा को ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर उसके पापा का कोई भी सबूत नहीं मिलता।
युकी को लग रहा था कि ये सब कुछ सायरन की वजह से हुआ है और वो सायरन के बारे में डॉक्टर मीना मीडा को भी बताती है, पर तभी एक चमगादड़ों का झुंड युकी को डरा देता है और डॉक्टर मीना मीडा अचानक ही गायब हो जाता है। अब अभी अभी युकी के साथ क्या हो गया वो कुछ भी समझ नहीं पाती। धीरे धीरे ये अजीब आइलैंड उसके ऊपर हावी हो रहा था और लोग अचानक गायब हो रहे थे। युकी अब अकेले ही अपने पापा और डॉक्टर मीना मीडा को ढूंढने के लिए निकल जाती है और पूरा टाइम उसके पीछे एक अनजान शक्ति घूमती रहती है। और दोस्तों, युकी जब से इस आइलैंड पे आई है तब से ही उसे इस अनजान शक्ति का एहसास हो रहा है और ये शक्ति युकी के साथ हर वक्त रहती है। उस अनजान शक्ति से युकी डर जाती है और भागते भागते पहुंच जाती है उसी जगह पे जहाँ पे उसने पहले रिचुअल होता हुआ देखा था। युकी को वहां पे एक अजीब भगवान की मूर्ति मिलती है जिसके नीचे वही रिचुअल वाला गाना लिखा हुआ था और साथ ही साथ इमोर्टेलिटी यानी कि अमर होने के बारे में कुछ लिखा हुआ था। युकी इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि जल्दी ही उसे मिल जाता है अपना पापा, पर दोस्तों उसका पापा बुरी तरीके से मर चुका था। अपने पापा की लाश को देखकर युकी का शरीर कांप जाता है और वो चिल्लाकर भागती है। वो रोते रोते घर की तरफ जाने लगती है पर डॉक्टर मीना मीडा उसे पकड़ लेता है। डॉक्टर मीना मीडा बोलता है कि युकी अचानक ही गायब हो गई थी, पर युकी के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ था क्योंकि उसके लिए डॉक्टर मीना मीडा अचानक से गायब हो गया था। खैर, इसके बाद युकी मीना मीडा और एक पुलिस वाले के साथ वापिस अपने पापा के पास जाती है, पर अब वो लाश वहां से गायब हो गई थी। युकी को इसके बाद वापिस घर भेज दिया जाता है और घर पहुंचकर युकी और भी ज्यादा चौंक जाती है और कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसका पापा वापिस घर लौट आया था। युकी का पापा बताता है कि वो जंगल में गिर गया था और युकी भी अपने पापा को देखकर खुश थी, पर अब उसे यकीनी नहीं था कि क्या सच है और क्या झूठ, क्योंकि हर एक पल के साथ ये आइलैंड और ज्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा था। ये अजीब हादसे होना बंद नहीं होते क्योंकि अगले दिन युकी का कुत्ता गायब हो जाता है और उसका पापा बिल्कुल बदल जाता है। युकी का पापा अब युकी को क्रीपी तरीके से घूरने लगता है जैसे कि वो अब पोजेस्ड हो गया हो, जिससे युकी को और ज्यादा टेंशन हो जाती है। युकी अब अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए निकल जाती है जिसके दौरान युकी को अपने पापा का कैमरा मिलता है जिसके अंदर एक वीडियो होती है जिससे युकी को समझ जाता है कि उसका पापा जंगल में गिरा नहीं था बल्कि किसी चीज ने युकी के पापा पे हमला किया था। अब युकी के पास कोई दोस्त तो था नहीं जिसे वो अपनी परेशानियां बताए, तो उसे मजबूरन डॉक्टर मीना मीडा के पास जाना पड़ता है। सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर मीना मीडा बोलता है कि ये सायरन वाली कहानी बस एक लोक कथा है जो आइलैंड के लोग एक दूसरे को सुनाते हैं और वो युकी को फालतू की टेंशन लेने से मना करता है। खैर, युकी को यकीन था कि जो आइलैंड पे हो रहा है वो कोई लोक कथा नहीं है और वो फैसला करती है कि अगर कोई उसकी बातें नहीं सुनेगा तो वो खुद ही अपनी फैमिली को आने वाली मुसीबत से बचाएगी। युकी अब डॉक्टर मीना मीडा के पास से चले जाती है और उसके जाने के बाद मीना मीडा अपने एक पुराने मरीज की फाइल चेक करता है और दोस्तों ये मरीज वही 1976 वाला आदमी है जो एक्सपेडिशन टीम को मिला था और उस आदमी की फाइल में से मीना मीडा को डायरी का आधा हिस्सा मिलता है जिसका आधा हिस्सा ऑलरेडी युकी के पास है। दूसरी तरफ अब युकी अपने घर पहुंचकर अपने पापा के कंप्यूटर में छानाबीनी करने लगती है और उसे अपने पापा की रिसर्च फाइल मिल जाती है जो थी यामेजीमा आइलैंड के बारे में। युकी समझ जाती है कि उसका पापा इस आइलैंड की हिस्ट्री पे काम कर रहा है और अब उसे बहुत सारी सच्चाई पता चलती है। उसे पता चलता है कि 15th सेंचुरी में एक बीमारी जापान में फैली थी और जिसको भी वो बीमारी होती थी उसे यामेजीमा आइलैंड पे भेज दिया जाता था। उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था और इसलिए लोग आइलैंड पर एक एक करके मरने लगे थे। खैर, पुराने टाइम पर लोगों के बीच में एक मान्यता थी कि अगर मरमेड का मांस कोई इंसान खा लेगा तो वो इंसान अमर हो जाएगा और इसलिए ही आइलैंड के बीमार लोगों ने मरमेड को ढूंढना स्टार्ट किया था। सरप्राइजिंगली लोगों को एक मरमेड मिल गई थी जिसे लोगों ने कच्चा खा लिया था, पर मरमेड एक सायरन के श्राप को जन्म देकर मरी थी।
उस टाइम के बाद से आइलैंड पे एक सायरन बजता था जिसकी आवाज से लोग बदल जाते थे और हर जगह आतंक मच जाता था। कहा यह जाता है कि उस मरमेड की आत्मा अभी भी आइलैंड पे घूमती है एंड गेस व्हाट, उस मरमेड की आत्मा वही लाल कपड़ों वाली औरत है जिसके साथ हिडियो खेलता है। यूकी को ये भी पता चलता है कि 1976 में सारे के सारे लोग गायब हो गए थे और सिर्फ एक इंसान बचा था, पर उस इंसान ने खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, ये कहानी जहाँ पर यूकी को पता चलती है, वहीं दूसरी तरफ हिडियो को ये कहानी वो मरमेड की आत्मा सुनाती है और अब यूकी अपने भाई को लेने के लिए भागती है। यूकी अपने भाई के पास पहुँचती है जो उसी मरमेड के साथ खेल रहा था। वो मरमेड यूकी को लाचार हालत में देखकर मुस्कुराती है और तभी दूसरा सायरन बजने लगता है। सायरन की आवाज से ही हिडियो बेहोश हो जाता है और यूकी को तुरंत ही उसे उठाकर भागना पड़ता है। ये बात अब साफ हो गई थी कि ये आइलैंड एक रहने लायक जगह नहीं है, पर यूकी अपने पापा के बिना इस जगह से नहीं जाना चाहती थी। अब जब तक सायरन बज रहा था, यूकी को छुपना होगा और इसलिए वो हिडियो के साथ उसी पुराने घर में छुप जाती है। खैर, अब यूकी के सामने फिर से वो पागल आदमी आ जाता है जिसने यूकी पे हमला किया था और वो बोलता है कि सायरन की वजह से अब सारे के सारे आइलैंड के लोग बदल जाएंगे। उस पागल आदमी की बातें अब यूकी को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती और वो जानती थी कि वो आदमी कुछ ऐसी बातें जानता है जिससे यूकी की मदद हो सकती है। पर तभी सायरन की वजह से आइलैंड के लोग बहुत ज्यादा डिमोनिक हो जाते हैं और वो जॉम्बी टाइप क्रीचर में बदल जाते हैं। वो सारे के सारे इंसान यूकी, हिडियो और उस आदमी के घर पे हमला कर देते हैं और यहाँ पे अब यूकी को समझ आ जाता है कि मरमेड का श्राप आखिरकार लोगों को जानवरों में बदल देता है और फिर लोग एक दूसरे के मांस के भूखे हो जाते हैं। वो पागल आदमी अब ज़ॉम्बीज से लड़ना स्टार्ट कर देता है और वो बताता है कि ये सब कुछ जब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई मेटल टावर पर जाकर सायरन को बंद नहीं कर देगा। इसके बाद सारे के सारे डिमोनिक लोग उस आदमी को मार डालते हैं और यूकी चिल्लाते हुए हिडियो को लेकर भागती है। घर पहुंचकर यूकी सारे के सारे दरवाजे लॉक कर देती है और वो फैसला करती है सामान पैक करके आइलैंड से भागने का। थोड़ी देर में हिडियो को होश आ जाता है और यूकी को सामान पैक करते हुए कुछ और अजीब चीजें मिलती है। यूकी को अपने पापा के सामान में से अपने कुत्ते का खूनी पट्टा मिलता है और वो समझ जाती है कि उसके पापा ने ही उसके कुत्ते को मार डाला है। ये बात साफ थी कि अब उसका पापा भी एक डिमोनिक क्रीचर में बदल गया होगा और इसी के साथ यूकी को अपने पापा के सामान में कुछ तस्वीरें मिलती है जो 1976 में ली गई थी। वो सारी की सारी तस्वीरें यूकी के घर की ही थी और इसका मतलब यूकी का पापा इस आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ अपनी रिसर्च के लिए आया था। उन फोटोज को देखकर यूकी को अपने घर के अंदर ही एक सीक्रेट कमरा मिलता है और उस कमरे के अंदर यूकी को जो मिलता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। यूकी को उस कमरे में उन सारे लोगों की फोटोज मिलती है जो 1976 में गायब हो गए थे और दोस्तों, ये वही सारे लोग हैं जिनके साथ प्रेजेंट में यूकी आइलैंड पे रह रही है। उन फोटोज के हिसाब से यूकी की पड़ोसन और डॉक्टर मीना बीडा भी 1976 में गायब हो गए थे और दोस्तों, ये पता चलते ही यूकी कांप उठती है। एक बार फिर से लाइट चली जाती है और तीसरा सायरन बजने लगता है। हिडियो डर के मारे छुप जाता है और डरी हुई यूकी अपने भाई को संभालने की कोशिश करती है, पर एक नई मुसीबत उनके सामने आ जाती है। यूकी का पापा अब अपने बच्चों पे डिमोनिक बन के हमला कर देता है और यूकी अपने भाई को लेकर भागती है। वो दोनों काफी देर तक अपने पापा से छुप के इधर उधर घूमते रहते हैं और बड़ी ही मुश्किल से घर से बाहर भाग पाते हैं और दोस्तों, ये सीन काफी ज्यादा डरावना था। घर से भागने के बाद यूकी मदद बुलाने की कोशिश करती है पर कोई भी फोन काम नहीं कर रहा था। यूकी एक पुलिस वाले से मदद मांगती है पर पुलिस वाला भी एक जॉम्बी टाइप क्रीचर में बदला हुआ था। बड़ी ही मुश्किलों का सामना करते हुए यूकी किनारे तक पहुंचती है पर कोई भी बोट वहां पे नहीं थी और इसका मतलब यूकी अब आइलैंड पर फंस चुकी है। यूकी को अब लगने लगता है कि वो आज रात जिंदा नहीं बच पाएगी कि तभी उसे दिखाई देता है मेटल टावर और वो समझ जाती है कि अगर उसे आज रात जिंदा रहना है तो उसे मेटल टावर पे जाकर सायरन को बंद करना होगा।
अपनी पूरी हिम्मत कर युकी अब हिडियो को लेकर भागती है मेटल टावर की तरफ। रास्ते में युकी का सामना अपनी डिमोनिक पड़ोसन से होता है और दोस्तों पड़ोसन की आवाज रोंगटे खड़े करने वाली थी। पड़ोसन डिमोनिक बनके युकी को बुलाती है पर युकी किसी तरह उसे चकमा देकर निकल जाती है और वो पहुंच जाती है मेटल टावर तक। सायरन खूब तेजी से बज रहा था मेटल टावर के ऊपर और अब युकी को उसे बस रोकना था। वो अपने भाई को अपनी पीठ पर बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और रास्ते में भी उसे काफी सारे डिमोनिक लोगों का सामना करना पड़ता है। किसी तरह बचते बचते युकी ऊपर तक पहुंच जाती है और वो देखती है एक लाल तूफान को जो आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड के सारे डिमोनिक लोग टावर के नीचे आ जाते हैं और अब वक्त आ गया था कि युकी उस सायरन को बंद कर दे। युकी अब अपने भाई को टावर पर बिठालकर एक डंडे से सायरन को बुरी तरीके से तोड़ डालती है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पर दोस्तों सायरन की आवाज एक सेकेंड बाद फिर से आने लगती है। वो लाल तूफान अभी भी आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था और तभी वहां पे आ जाता है डॉक्टर मीनामीडा। युकी डॉक्टर मीनामीडा से डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था ये कोई डीमन है, पर डॉक्टर बोलता है कि सायरन की आवाज कभी भी नहीं रुकने वाली क्योंकि वो आवाज असलियत में है ही नहीं, वो बस युकी के दिमाग के अंदर है। युकी को डॉक्टर मीनामीडा पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था पर डॉक्टर बोलता है कि सायरन असली नहीं है और तभी हिडियो भी गायब हो जाता है। अब जैसे ही हिडियो गायब होता है युकी अपने भाई को चिल्ला चिल्ला कर ढूंढने लगती है पर डॉक्टर बोलता है कि हिडियो भी असली नहीं है क्योंकि वो बहुत पहले ही मारा जा चुका है। युकी की आंखें अब फटी की फटी रह जाती है और एक फ्लैशबैक के साथ हमें पता चलता है कि हिडियो युकी के साथ कभी था ही नहीं और युकी हमेशा खुद से बातें करती थी। हम लोगों को पता चलता है कि हिडियो टोक्यो में ही मारा गया था पर युकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी और उसके अंदर एक दिमागी प्रॉब्लम आ गई थी। उसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए युकी का पापा इस आइलैंड पे आया था पर युकी को लगता था कि इलाज हिडियो का होना है। वो हमेशा हिडियो से हवा में बातें करती रहती थी और इसलिए ही आइलैंड वाले उसे घूरते रहते थे, पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि ये आइलैंड श्रापित नहीं है क्योंकि इस आइलैंड पे सच में कुछ मिस्टीरियस तो हो रहा है। खैर इस सच्चाई पे युकी बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाती और इसलिए इस सच्चाई से बचने के लिए वो टावर से नीचे कूद जाती है, पर सरप्राइजिंगली युकी नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच जाती है जिसे डॉक्टर एक चमत्कार बताता है। और दोस्तों ये चमत्कार क्यों हुआ है इसका रीजन है वो अनजान शक्ति जो युकी के साथ हमेशा घूमती रहती है। और वो अनजान शक्ति जब भी इस मूवी के अंदर हमें दिखाई गई है हमें एक लाल कलर की स्क्रीन दिखाई जाती है और हम सब इतनी देर से देख ही रहे थे कि एक लाल कलर का तूफान आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था, तो वो तूफान और कुछ नहीं वो खतरनाक एनर्जी थी जो युकी को घेरे हुए है और वो एनर्जी ही एक श्राप का हिस्सा है। खैर दोस्तों इस मूवी में काफी ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे आ गई है पर मैं बता देता हूँ कि 1976 में जो पागल आदमी हमें दिखाया गया था उसे भी युकी की तरह सायरन की आवाज सुनाई देती थी और उसने एक दिन सारे के सारे आइलैंड वालों को मार डाला था। जी हाँ दोस्तों आइलैंड वाले गायब नहीं हुए थे, उन्हें बस मार दिया गया था। डॉक्टर युकी के पापा को बताता है कि पुरानी कहानियां सच है और लोग कहते हैं कि इस आइलैंड पे अगर तुम्हें सायरन की आवाज सुनाई दे तो घर से बाहर मत निकलना क्योंकि वो सायरन तुम्हारे को पागल कर सकता है। हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि ये सायरन वाली बात मरमेट की कहानी सारी चीजें सच है और युकी को जो जॉम्बी दिखाई दे रहे थे वो उन लोगों की आत्माएं हैं जो आइलैंड पे 1976 में मारे गए थे। सीधा सीधा बताऊं तो इसका मतलब ये कहानी है युकी नाम की पागल लड़की की जो जब यामेजीमा आइलैंड पे आई तो उसे सायरन और मरमेट वाला श्राप लग गया जो 1976 में उस पागल आदमी को भी लगा था। और दोस्तों
हम लोग इस श्राप को उस काली शक्ति से जोड़ सकते हैं जो युकी को हमेशा घेर कर रखती है। कहने का मतलब, युकी ऑलरेडी पागल थी और वो आइलैंड पे आकर श्रापित भी हो गई। खैर, अब मूवी के एंड में डॉक्टर मीना मीटा को मिलती है वो आधी डायरी जो युकी के पास से वो ले लेता है। उस आधी डायरी को मीना मीटा अपनी आधी डायरी से जोड़ देता है और डायरी के आखिरी पन्नों पे लिखा था कि जैसे ही चौथा सायरन बजेगा सब लोगों को मरना होगा। अब तभी चौथा सायरन बज जाता है और युकी जाग जाती है। वो बदल जाती है एक सीरियल किलर में और डॉक्टर को मार डालती है। मरमेड का श्राप भी पूरा हो जाता है और समुंदर लाल हो जाता है और हम लोग समझ जाते हैं कि अब युकी इस आइलैंड पे मौजूद सारे के सारे लोगों को मार डालेगी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन फॉरबिडन सायरन मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक और स्नैपचैट का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।